नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तारीफ की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत ने जो किया है वो दुनिया का कोई और देश नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी अपने आप में विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है, जो लगातार कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार को घेरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाह रहे थे। वहीं दूसरी ओर दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत योजना को 3 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब हर भारतीय का एक यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड होगा। यह फैसला मोदी सरकार की ओर से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत करेंगे। तो कोरोना महामारी दुनिया पर आफत बनकर आई, लेकिन भारत में मोदी सरकार ने जिस तरह से कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, अब उसको लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने भी केंद्र सरकार की तारीफ की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ये अहम टिप्पणी की है कि कोविड महामारी से निपटने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए तमाम कदम सराहनीय हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि भारत ने जो किया है वो दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कई मायनों में अहम हो जाती है। दरअसल जिस तरीके से कोरोना की दूसरी वेव के दौरान तमाम विपक्षी दलों, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर टीएमसी हो, मोदी सरकार को घेरने का कोई मौका उन्होंने नहीं छोड़ा। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार निशाना केंद्र सरकार पर साधा, लेकिन इस बीच अब कोरोना महामारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये अहम टिप्पणी की है, ये साफ तौर पर विपक्ष को जवाब देने के लिए काफी है कि किस तरीके का प्रोपेगेंडा दरअसल इस कोरोना महामारी की आड़ में विपक्ष के द्वारा फैलाया जा रहा था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है। मोदी सरकार की तारीफ करते हुए ये कहा है कि कोविड जैसे चुनौतीपूर्ण वक्त को भी केंद्र सरकार ने जिस तरीके से स्वास्थ्य से को बेहतर किया है, दुनिया का कोई दूसरा देश ये काम नहीं कर पाया है। साथ ही आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के उस बयान का हवाला भी दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कोरोना वायरस अब महामारी नहीं रह गया है, लेकिन जब तक सबको वैक्सीन नहीं लग जाती है तब तक सतर्क रहें। और उसी बयान का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दरअसल ऐसे बयान दिए जाने जरूरी हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि महामारी खत्म हो गई है और वो एक स्वतंत्र पक्षी की तरह व्यवहार खुलकर जीना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, सावधानियां बरतनी जरूरी है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। आपको बता दें, इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि दरअसल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने कोविड-19 से जान गंवा चुके लोगों के परिजन को 50,000 रुपये राहत राशि दी जाएगी। इसकी घोषणा जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी अपने आप में बेहद अहम है और साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से कोरोना महामारी, जो कि जाहिर तौर पर इससे निपटना बेहद चुनौती भरा था, लेकिन केंद्र सरकार ने तमाम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया, ऑक्सीजन से लेकर तमाम दवाइयों का प्रबंध किया, कोरोना वैक्सीन अब लोगों को लग रही है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है ताकि हर एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंच पाए, वो वैक्सीन की डोज लगवा पाए और इस कोरोना महामारी से निपटा जा सके, इसको लेकर लगातार केंद्र सरकार तमाम कदम उठा रही है। वहीं आपको बता दें, अगर आज देश के नागरिकों को अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिल पा रही हैं, तो इसका एक बड़ा रीजन जो है, कारण जो है, वो है आयुष्मान भारत योजना, जिसकी शुरुआत केंद्र सरकार की ओर से 23 सितंबर 2018 को की गई थी और आज आयुष्मान भारत योजना को 3 साल पूरे हो गए हैं। देश के 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये सालाना तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देने वाली दुनिया की ये सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम जो है वो बन चुकी है आयुष्मान भारत योजना।
और जब से इस स्कीम की शुरुआत हुई है, जाहिर तौर पर भारत में स्वास्थ्य सेवाएं काफी हद तक बेहतर हुई हैं। गरीब जो पिछली सरकारों में स्वास्थ्य सेवाओं से कहीं ना कहीं बेहद बुरी थी, जो गरीबों को इलाज अस्पतालों में नहीं मिल पाता था, लेकिन आज के वक्त में ऐसा नहीं है। आयुष्मान भारत योजना जिसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की गई थी, और आपको बता दें इस योजना के तहत केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बदलकर 1,50,000 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र बनाने की घोषणा जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से की गई थी, और मकसद यही था कि व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घरों तक पहुंचाया जाए। और बड़ी कामयाबी केंद्र सरकार ने इस स्कीम के जरिए हासिल की है, और यही वजह है कि आज जब आयुष्मान भारत योजना को 3 साल पूरे हो गए हैं, तो केंद्र सरकार की ओर से ट्वीट किया गया है जिसमें यह साफ तौर पर लिखा गया है कि आज आयुष्मान भारत योजना को 3 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री का एक मैसेज भी इस ट्वीट में है जिसमें यह लिखा गया है कि अगर एक गरीब आदमी के परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है और उसकी वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित होती है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य भारत का समग्र समाधान है, ये उस ट्वीट में मैसेज दिया गया है। प्रधानमंत्री ने भी इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि बीते कुछ सालों में स्वास्थ्य सेवा के महत्व को और अधिक स्पष्ट रूप से समझा गया है। हमारे नागरिकों के लिए उच्च गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना हमारी प्रतिबद्धता रही है। आयुष्मान भारत के इस विजन को साकार करने की कुंजी है, ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है। तो जाहिर तौर पर आयुष्मान भारत योजना जो है वो अपने आप में केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जिस तरीके से हर एक घर तक और खास तौर पर गरीबों के लिए ये जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये केंद्र सरकार की ओर से दी गई है, लेकिन आज चूंकि आयुष्मान भारत स्कीम के 3 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर मोदी सरकार की ओर से एक और तोहफा देश के नागरिकों को दिया गया है। जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से वन नेशन वन राशन कार्ड की शुरुआत की गई, और अब उसके बाद वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना के तहत अब हर एक भारतीय को एक यूनिक हेल्थ आईडी जो है वो केंद्र सरकार देगी, जिसमें हर एक नागरिक का जो हेल्थ से जुड़ा डेटा होगा वो डिजिटली उपलब्ध होगा। ये जो सुविधा है अब ये केंद्र सरकार देश के हर एक नागरिक को देने जा रही है। आपको बता दें 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जब बात की तो उसमें देश की सबसे बड़ी योजना का शंखनाद जो है वो उनकी तरफ से किया गया था। और आपको बता दें अगले हफ्ते यानी 27 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना की शुरुआत करेंगे जिसमें हर एक भारतीय को यूनिक हेल्थ आईडी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस बात की जानकारी ट्वीट करते हुए दी है। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि इस अहम योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी, तो जाहिर तौर पर मकसद यही है कि किस तरीके से देश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें बेहतर बनाया जा सके। दुनिया के तमाम देशों में जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं उन्हें भारत किस तरीके से टक्कर दे पाए और अपने देश के नागरिकों को, अपने देश के जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें दरअसल अस्पतालों में जाकर भटकना ना पड़े, उन्हें उनका इलाज जो है वो मिल पाए, यही मकसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसे पूरा करने के लिए अब आयुष्मान भारत स्कीम के बाद प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च करेंगे। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 27 सितंबर को जो प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च करेंगे उसमें ये जो हेल्थ रिकॉर्ड होंगे अब तमाम नागरिकों के डिजिटली उपलब्ध होंगे। केंद्र सरकार की जो प्लानिंग है वो ये है कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड देने वालों को फौरन ही यूनिक हेल्थ आईडी जनरेट करके दी जाएगी, और एक बार यूएचआईडी जनरेट हो गया तो उस
व्यक्ति के हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली मेंटेन होंगे और सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगे। फिर उस व्यक्ति को दुनिया भर के स्वास्थ्य संबंधी कागजात लेकर डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा, क्योंकि डॉक्टर के पास वो जानकारी पहले से उपलब्ध होगी। सिर्फ अपना UHID कार्ड वो दिखाएगा और जिसके बाद डॉक्टर के सामने कंप्यूटर पर व्यक्ति की पूरी जो मेडिकल हिस्ट्री होगी वो खुलकर सामने आएगी। तो इस तरीके से ये जो सुविधाएं हैं ये बेहतर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जाहिर तौर पर इस कार्ड के कई फायदे होंगे। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत देश के हर नागरिक को आधार कार्ड की तरह ही अब डिजिटल हेल्थ ID दी जाएगी। इस कार्ड में व्यक्ति के सेहत से जुड़ा रिकॉर्ड, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है तो उससे जुड़े जो तमाम बीमारी से संबंधित जो रिकॉर्ड है वो दरअसल पहले से ही इस ऐप पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो लाभ है ये देश के हर एक नागरिक को मिलने जा रहा है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है इसमें एक अहम भूमिका निभाएगा। जाहिर तौर पर उसे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इस तरीके से इस मिशन को आगे बढ़ाया जाए। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये पूरा जो योजना है ये मानी जा रही है केंद्र सरकार की, क्योंकि अपने आप में बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार इस पर काम करेगी और तभी ये जाकर संभव हो पाएगा कि देश के हर एक नागरिक का जो उसकी बीमारी से जुड़ा डेटा है वो डिजिटली उपलब्ध हो पाए। तो इस दिशा में लगातार अब केंद्र सरकार काम कर रही है। और जाहिर तौर पर आप 2014 के बाद देश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि हम कोरोना महामारी जैसी जो बीमारी है जो साफ तौर पर दुनिया के तमाम जो देश थे वो नहीं झेल पाए, लेकिन भारत ने इसका डटकर मुकाबला किया, जिसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी की गई है। दुनिया के तमाम देश और यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कोरोना महामारी से जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पाठ पाया है उसको लेकर मोदी सरकार की तारीफ कर चुका है। लेकिन तमाम स्वास्थ्य सेवाएं, तमाम स्वास्थ्य योजनाएं, उनका ही ये असर है कि आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। लाल, आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।